वेलकम माय फ्रेंड्स स्टूडेंट जी, जो मेरा वीडियो है ये एनवायरनमेंट स्टडी से रिलेटेड है विद एनवायरनमेंट साइंस से। इसमें आपको मैं बताऊंगा एनवायरनमेंटल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आता है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में, और ये 10+2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनवायरनमेंटल इंडिकेटर क्या होते हैं? अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर एक सूचक होता है, एक पैरामीटर होता है जिससे हमें कोई भी वैल्यू पता चलती है। कोई फिनोमिना देखना है, कोई हमने स्टेट देखनी है किसी चीज़ की। सो एनवायरनमेंटल इंडिकेटर की हम बात करें तो इससे हमें एनवायरनमेंट की कंडीशन का पता चलता है। पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स एनवायरनमेंट का हमें पता चल जाता है वाइडर सेंस में। सो क्या एनवायरनमेंट में हैपन हो रहा है वो भी पता चल जाता है। प्रोवाइड इनसाइट टू फिनोमिना विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। एक्चुअल क्या उसका है, उसके हमें इनर क्या है उसकी इंपॉर्टेंस, ये भी पता चल जाती है। तो इसमें एनवायरनमेंट में जैसे पोल्यूशन आ रहा है, सॉइल वाटर एयर, उसका भी हमें एस्टिमेशन लगाने में ये हेल्प करता है। और उसके सोशल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी हमें पता चलते हैं। सो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक टूल की तरह काम करता है। तो इनको यूज़ किया जाता है एनवायरनमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको कम्प्लीट करने के लिए। इन्वायरमेंट की स्टेट पता चलती है, हमारा जो इन्वायरमेंट है जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसका क्या है, उससे रिलेटेड पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिलती है। डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम किया जाता है, कोई भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो इंडिकेटर ही बता देगा भी ये इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है या साफ़ है। इंडिकेटर बेसिकली तीन तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल और हमारे पास केमिकल्स। बेसिकली हम बायोलॉजिकल करेंगे। बायोलॉजिकल में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता करवा देते हैं। सो इसमें के ऑर्गेनिज्म है वो टॉक्सिक हजार्डियस सब्सटेंस को अपने अंदर एक्युमुलेट कर लेते हैं। कई पोल्यूशन वाली जगह पे ग्रो करेंगे, कई उसी जगह पे ग्रो करेंगे जहाँ बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें हम फर्स्टली बात करते हैं प्लांट इंडिकेटर की। जैसे हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है लाइकन। लाइकन जो हैं ये हमें एयर की क्वालिटी का पता लगा देते हैं। ये सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इससे रिलेटेड जो अदर गैसेस हैं, जो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं अदर जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऑटोमोबाइल से। सो अकोमोलेशन ऑफ एल्गी इन एक्वाटिक सिस्टम इंडिकेट द ऑर्गेनिक पोल्यूशन। अगर हम एल्गी देखें पानी में ज़्यादा ग्रो हो रही है साइनोबैक्टीरिया, इसका मतलब है पानी में ज़्यादा केमिकल्स हैं, नाइट्रेट फॉस्फेट ज़्यादा है। तो एल्गी पानी में ज़्यादा है तो इसमें मीनिंग है पानी पोल्यूटेड है। तो लाइकन उस जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पोल्यूशन नहीं होगा, जो साफ़ इन्वायरमेंट है, हिली एरियाज़ हैं वहाँ आपको लाइकन मिलेंगे। बट जैसे दिल्ली वर्गे शहर हैं या हांगकॉन्ग चले जाओ, वहाँ आपको लाइकन नहीं मिलेंगे। यूट्रिकल एरिया चारा जो है ये पोल्यूटेड वाटर में होते हैं। फर्टाइल सॉइल जो है इसमें नेटल्स हैं, चिकवुड प्लांट आते हैं। नाइट्रोजन जिस सॉइल में कम होती है उसमें लेग्यूम प्लांट ज़्यादा ग्रो करते हैं। एमरेंथस चिनोपोडियम पॉलीगोनम जे जो है उस जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ ओवर ग्रेजिंग हुई है। तो इससे हमें पता चल जाता है भी हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। और भी काफ़ी एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं। और अगर किसी एरिया पे फॉरेस्ट ज़्यादा हैं तो हमें पता चल जाता है भी ये लैंड फर्टाइल है। उसके बाद एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी हमें बता देते हैं कि कौन सी स्टेट है। जैसे हम बात करें वल्चर की, यहाँ एग्जांपल ली है। वल्चर ख़त्म होने का एक सभी आपको पता ही होगा एक कारण है, डाइक्लोफिनिक मेडिसिन है। ये बफलेस को दी जाती थी, बफलेस या कैटल्स काउज को मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो जब काउज एंड बफलो मर जाते थे इससे उनकी डेथ हो जाती है, उसका जो कारा केस जो उसका कंकाल है उसको वल्चर खाने आते हैं। बट उनके मीट में से ये केमिकल उनके अंदर चला जाता है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। वल्चर के एग जो हैं फट जाते हैं, शेल वीक हो जाता है, इसलिए वल्चर हमें नज़र नहीं आते। तो वल्चर ना होना, इस केमिकल की कम्युलेशन ज़्यादा है, इससे हमें पता चल जाता है। उसके बाद माइक्रोवियल इंडिकेटर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करेंगे। जैसे ईकोलाई है, डायटम है, ये हमें सीवरेज पोल्यूशन है उसी वजह से ज़्यादा ग्रो करेंगे। कई ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग तरह की प्रोटीन्स और प्रोडक्ट बनाते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में होते हैं।
जैसे केमिकल ज़्यादा गंदे एनवायरनमेंट में, जैसे कैडमियम बेंजीन है, वहाँ वो अलग तरह का केमिकल प्रोड्यूस करेंगे और उससे हमें पता चल जाता है ये अलग एनवायरनमेंट में है। सो बायो इंडिकेटर जो है कंटेमिनेशन का एक्सपोज़र देते हैं, टॉक्सिसिटी कैसे होती है वो भी पता चलता है, वार्निंग अर्ली साइन भी हमें ये दे देते हैं, तो इंडिकेशन देते हैं एनवायरनमेंट की रिकवरी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था विद रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, और मुझे उम्मीद आपको ये हेल्प करेगा कम्पिटिटिव में, और ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।